कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक है कहाँ? मिसिंग नंबर। यहाँ देखिएगा कॉर्नर पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है ना, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, जो मिसिंग नंबर में जो संख्याएं दी गई हैं, ये पूरी पूरी संख्याओं को आप ध्यान से देखिए क्या है, संख्याएं कैसी हैं, वर्ग है, स्क्वायर है, क्यूब है या नॉर्मल संख्याएं हैं। तो देखिए 169 है, 144 है, 289 है, 121 है, 196 है, 441 है, 64 है, 81 है, 225 है, 32 है, 35 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाए तो यहां से लेके यहां तक जो संख्याएं हैं, यहां से देखिएगा, यहां से नीचे वाली नहीं, यहां से ऊपर जो संख्या जो मैं बॉक्स में बना रहा हूं, ये जो संख्या है दोस्तों, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। और नीचे ये 32 दिख रहा है, 35 दिख रहा है, ये संख्याएं स्क्वायर ना क्यूब कुछ भी नहीं, ठीक है, ये नॉर्मल संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसी ही संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, क्योंकि यहां से जो ऊपर दिख रहा है दोस्तों ये वाली, ये सब स्क्वायर है। अब हम देखेंगे कौन किसका स्क्वायर है, देखिएगा ये, देखिए ये 169 यानी 169 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 13 का स्क्वायर होता है, ये पहले भी आपको बताया हो ना, और याद भी होगा आपको। 121 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 11 गुणे 11 121 होता है। 64 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 13 11 जोड़ेंगे 24 और 24 8 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्या होगा, इन तीनों संख्याओं को 32। अब ये क्या कह दिया दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया है, अब कर क्या रहा है, अब देखिएगा, अब आपको समझ में भी आ गया होगा, ये जो जिन संख्याओं को दोस्तों स्क्वायर है उन्हीं संख्याओं को लिख ले रहा है और जोड़ दे रहा है, और नीचे जोड़ के लिख दिया 32, ठीक है। अब देखिए, अब इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा सॉल्व हो रहा है नहीं, 144 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 12 का स्क्वायर है, 196 है ये किसका स्क्वायर है, 196 14 गुणे 14 होता है 196, ठीक है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, ठीक है। अब यहां पे देखिए 14 12 12 14 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 14 26, 26 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 35, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 35, 12 14 26, 26 9 35, और 35 देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 35, ठीक है। ये कर क्या रहा है दोस्तों, जिन संख्याओं का स्क्वायर है उन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ के नीचे लिख दे रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, लास्ट वाले के भी साथ करेंगे, लास्ट वाले साथ, ये क्या है दोस्तों, 289, 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, 441, 441 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 21 का स्क्वायर होता है, 225, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी आपस में जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, आपस में इसे भी जोड़ देंगे, 17 21 क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा, और 38 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 53। आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, 7 1 8 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, ठीक है, 53 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या क्या होगा दोस्तों, 53 हो जाएगा। 53 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या होगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।